हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पानीपत में हाईवे पर एक गड्ढा बना हुआ है। यह गड्ढा हादसों को न्योता दे रहा है, लेकिन अभी तक इस तरफ प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट में देखिए इस मौत के गड्ढे की पूरी कहानी। जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि हम आपको इन तस्वीरों के पीछे की कहानी बताएं, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देख लेंगे तो हो सकता है कि आप इस मामले को थोड़ा सा समझ सकें। टूटी सड़क, सड़क के बीच गड्ढा, गड्ढे में भरा पानी और गड्ढे के पास रस्सी से बंधी ये बाइक। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि इस गड्ढे की वजह से यहाँ कोई हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ हुआ ये कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई बड़े हादसे हो चुके हैं, मगर प्रशासन है कि कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ये सड़क किसी गाँव या कस्बे की नहीं, बल्कि ये वो हाईवे है जो दिल्ली को जाता है, और इस हाईवे पर इस कदर गड्ढा बना हुआ है जो लोगों की जान जोखिम में डाल देता है। देखिए, हम खड़े हैं नेशनल हाईवे पर। मैं बता दूं कि आपको ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं वाहन जो है ये सीधे जो है दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और BBMBA का जो है ये ऑफिस भी सामने ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है देखिए इस खड्डे की है। मैं कहूंगा आपको कि देखिए ये जो खड्डा है कितनों के जीवन लील चुका है और जिसका समाधान जो है आज तक नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात है देखिए आम आदमी जो है वो गिरता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज इस खड्डे के ऊपर जिस तरीके का मैं परसों का वाक्य बता दूं कि एक नवयुवक गोविंद जो है बाइक के साथ इस खड्डे के अंदर गिर गया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। पानीपत में नेशनल हाईवे के पास नासूर बना ये गड्ढा आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जाने अनजाने में न जाने कितने लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं। इतना ही नहीं, ये गड्ढा कई लोगों की जिंदगी भी छीन चुका है। इस गड्ढे को बने हुए 2 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ आसपास में दुकान लगाने वाले लोगों का कहना है कि करीब 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन इस गड्ढे को बंद नहीं कराया गया। इस गड्ढे में न जाने कितने ही लोग गिर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा। ऐसे जी 2-3 साल से बहुत गड्ढा गहरा है और यहाँ आने जाने वाले को बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं इसके अंदर गाड़ियां गिर ली, मोटरसाइकिल भी गिर ली, बंदे भी काफी मर गए, तो हम इससे परेशान हैं। इसका समाधान प्रशासन के परिधि नहीं, हम तो फिर इसके अंदर मिट्टी डाल के इसको बंद कर देंगे। इसका समाधान होया नहीं अभी तक। ये कम से कम 2 साल से ज्यादा हो गया जिसका ऐसे कैसे पड़ा है। काफी हादसे हो चुके हैं इसके अंदर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करी सरकार, ऐसे कैसे है इसको। ये कम से कम 2 साल से ज्यादा हो गया जी। हर रोज डेली 1-2 बाइक पड़ती रहती है इसके अंदर, और 15-20 गाड़ी तो पड़ चुकी है कारें कम से कम इसके अंदर। डेथ भी हुई है इसके शाम के टाइम। जो युवक गड्ढे में गिरा था उसकी मौत हो गई। गड्ढे में गिरे युवक के भाई का कहना है कि युवक शाम के समय यहाँ से गुजर रहा था, शायद उसे गड्ढा दिखा नहीं और वो इसमें गिर गया। शिकायत की गई, लेकिन फिर भी इस गड्ढे को बंद नहीं किया गया। मृतक के भाई का कहना है कि जैसा उसके भाई के साथ हुआ ऐसा आगे किसी के साथ ना हो, इसके लिए इस गड्ढे को बंद करना जरूरी है। गोविंद मारा भाई था, वो फ्लोरा में आया था किसी काम परसों रात 7:30 बजे, और जैसे ही ये चीज देखो भाइयों, खड्डा खोद रखा है यहाँ पे, गिरा, उसकी डेथ होगी। हम तो भाइयों से यही गुजारिश करते हैं, प्रशासन कहाँ है, इतना टैक्स जा रहा है ये कहाँ जाती है। पीछे भी हफ्ते की बात है, एक लेडीज गिरी हुई थी, उसका बच्चा भी था बेचारा, चलो कोई नहीं, भगवान का शुक्र है वो तो बच गए। हमने तो अपना भाई खोद दिया, आगे की बात है, आगे और कोई के साथ भी हादसा हो सकता है। हमारी यही विनती है सरकार से, इसका समाधान करवाएं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक महिला अपनी बच्ची के साथ गड्ढे में गिर गई थी। राहत की बात ये रही थी कि उन्हें लोगों ने बाहर निकाल लिया था, जिसके चलते दोनों की जान बच गई थी। इस तरह के हादसे यहाँ होते रहते हैं। इसमें इतनी दुर्घटना होगी, कम से कम 40-50 आदमी इसके अंदर गिर लिए। मार्केट वाले बार बार उठा रहे हैं सबको, बार मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं। अब भी 2 मोटरसाइकिल ऐसी खड़ी जिनको छोड़ के गए हुए लोग। परसों एक
जवान लड़का मर गया सर। जब इस लापरवाही को लेकर पानीपत के जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं था, आपके माध्यम से ही मुझे पता चला है और जैसे ही आपने बताया है तो इमीडिएटली अभी इसे LNT से या NHAI के जो भी अधिकारी हैं उनसे बात करके इमीडिएटली इसका कोई समाधान निकाला जाएगा और इमीडिएटली इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। बहुत सीरियस इश्यू है, 4 साल से कोई गड्ढे के कारण अगर किसी की लाइफ लॉस है तो इट इज़ ए सीरियस इश्यू, तो बात करके इमीडिएटली वी विल टेक। हैरानी की बात यह है कि इस गड्ढे को बने 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिला उपायुक्त का भी कहना है कि उन्हें मामले के बारे में अब जानकारी मिली है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जब लोग शिकायत देकर प्रशासन के पास जाते थे तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों मामले में लापरवाही बरतते रहे। अधिकारियों की इस लापरवाही ने न जाने कितनों की जिंदगी छीन ली। हरियाणा न्यूज के लिए पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।